दोस्तों, ये किन्नू का पौधा है, तकरीबन 4 साल का है, अच्छी फ्रूटिंग देता है। प्रूनिंग का सीज़न भी आ गया है, तो दोस्त पूछते हैं कि संतरे की प्रूनिंग करनी है कि नहीं। तो संतरे की वैसे प्रूनिंग नहीं होती, लेकिन क्या क्या सावधानी आपने बरतनी है उस बारे में, तो पहले तो मुझे ये सारे उतारने पड़ेंगे जो फ्रूट हैं इसके। इस पौधे ने तकरीबन इस बार 150 के करीब फ्रूट दे दिया है। साइज आप देख सकते हैं इसका, गिने चुने फ्रूट ही बचे हैं अब इसमें, जिनका हम जूस निकाल के पियेंगे। तो कटिंग क्या करनी है इसमें, देखिए जो मेन कारण रहता है संतरे के पौधे के सूखने का, एक तो जो टहनी सूख रही है, दिक्कत आ रही है, आप उसे काट लो, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ से हील अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ से देखिए, यहाँ पर हरा है लेकिन पीछे खराब हो रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ से काट दूंगा और उसके बाद पेस्ट लगा दूंगा। और एक वाली ये टहनी देखिए, यही वो कारण है, अगर हम अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो पौधा सूख जाएगा। यहाँ पर ये टहनी लगभग पूरी सूख चुकी है, तो मैं इसको पीछे से काट के देखिए, एक भी हरा पत्ता नहीं है इसमें। ये जो है कंकर बन जाएगा और पौधा सूख जाएगा। तो हमने जो है इस प्रकार की टहनियों को काट देना है पूरे तरीके से। ऊपर से दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आप नज़दीक से पौधे का मुआयना करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, इसमें दिक्कत होगी। और ऊपर से ये देखिए, ये वाली टहनी जो टहनी सूख रही है फ्रूटिंग के बाद, कई बार खासकर सूख जाती है, तो जो है वो आप निकाल देनी है आपने आराम से। तो पौधा आपका लंबा चलेगा, उसकी जो लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी। इस टहनी में काफ़ी फ्रूट लगे थे, तो लेकिन इस बार सूख गई है, तो इसको हम यहाँ से काट के मरहम पट्टी कर देंगे। ये वाली टहनी देखिए पूरी सूख गई है, यहाँ से दिखाओ। ये देखिए, यही कारण है जो पौधा है आपका मर जाता है। और मैं वही टहनी निकाल रहा हूँ जो दिक्कत दे रही है, बाकी संतरे में आपने प्रूनिंग नहीं करनी है। हाँ, शेपिंग के लिए शुरू में आप थोड़ी सी कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आपने अवॉइड करना है कटिंग को संतरे में। किन्नू या संतरा? इसका किन्नू का पौधा है वैसे तो, लेकिन संतरा और ये एक ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं। अंदर जाके जो है फिर ये चीज़ें दिखाई नहीं देगी आपको, पल्ले झाड़ हो गया। पौधा जो है एकदम देखिए आप, ये जो है धीरे धीरे फिर अंदर के खोखला करता जाएगा पौधे को और ख़त्म कर देगा। यहाँ पर भी देखिए, ये टहनी जो है ऊपर से सूख रही है, लेकिन हमें नज़दीक से काटना है टहनी के, ताकि वो फिलअप हो जाए बाद में। इधर भी इस तरीके से, ये देखिए, अगर आप इनको काटेंगे नहीं तो हिल नहीं हो पाएगी और पीछे को धीरे धीरे पौधा ख़त्म होता जाएगा। तो ये देखिए, आप सोचो अगर इस तरीके से बड़ा, इससे ज़्यादा पौधा होगा तो उसमें ज़्यादा कटिंग निकलेगी सूखे वाली, जो बाद में जो है उस पौधे को ख़त्म कर देगी। तो सूखी टहनियाँ हैं जो आपको बिल्कुल दिखाया जा रहा है, पौधे की हर एक दिक्कत इसमें क्या समस्या है, और ये पौधा जो है अभी लंबा चलेगा इस तरीके से, इनकी केयर करते रहेंगे। और इसके बाद अब आपने लगाना है ब्लाइटॉक्स। ये क्या करेगा, जो फंगल अटैक है
उसको नहीं होने देगा। जहाँ पे कटिंग हुई है आप थोड़ा थोड़ा लगा लो, कोई समस्या नहीं है, ये आपके पौधे को ठीक कर देगा। तो इस तरीके से इसकी कंप्लीट जो रिकवरी प्रोसेस है वो हो गया है। अगर आपके पास भी किन्नू, संतरा या माल्टा जो भी पौधा होगा, इस प्रकार की दिक्कत उसमें भी आएगी, तो आपने वो जो सूखी हुई टहनियां हैं इनको आपने निकाल देना है, और उसके बाद कोप्रोक्सीक्लोराइड का पेस्ट अलसी के तेल के साथ मिक्स करके लगा देना है, और आप अपने पौधे को लंबे समय तक जो है उसको सर्वाइव करा सकते हैं और उससे फ्रूट ले सकते हैं। तो बने रहिए बागवानी चैनल में, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बार नए टॉपिक के साथ।